हाई एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ मी तमन्ना सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्लास ट्वेल्थ फाइन आर्ट चैप्टर एट दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नैशनल फ्रीडम मूवमेंट सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्टिस्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया थ्रू आर्ट एंड लोगों के अंदर पेट्रियाज़म नेशनलिज़म की फीलिंग्स को जनरेट किया सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जैसे कि हमें पता है हमने पढ़ा था बंगाल स्कूल में भी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी जो इंडिया की आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी मतलब उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट में था या तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था एक सिस्टमेटिक प्रोपागेंडा के थ्रू उन्होंने कन्वेंस कर लिया था एजुकेटेड इंडियंस को भी कि हमारे इंडियन में कोई भी कल्चरल हेरिटेज है ही नहीं सो so, अब यहाँ पे आर्टिस्ट जैसे कि अभिनेंद्र नाथ टैगोर नंदलाल बोस गगेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने क्या किया आर्ट को एज अ मीडियम लेके इनकी पेंटिंग्स के थ्रू इन्होंने लोगों के अंदर इंडियन कल्चर के लिए नेशनलिस्टिक फीलिंग्स और पेट्रियाटिज़म जनरेट किया अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे ह्यूम एंड इनके कोऑपरेशन के थ्रू को इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी अब ये बनाई क्यों थी जो ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट वॉइस उठाने के लिए ये कांग्रेस को बनाया गया था एंड धीरे धीरे करके आर्टिस्ट ने अपने मीडियम के थ्रू लोगों के नेशनलिस्टिक और पेट्रोर्टिज़म की फीलिंग्स जनरेट की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बंकिम चंद्र चैटर्जी की इन्होंने फेमस नॉवल जो है इनकी आनंद मठ इसके अंदर हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा वंदे मातरम जिससे ऑफ़ कोर्स हमारे अंदर जो इंडियंस है उनके अंदर पैट्रियाटिज़म की फ़ीलिंग्स जनरेट हुई इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम लोग हिंदूज़ और मुस्लिम डिस यूनाइट करेंगे क्योंकि उनको देखा नहीं जा रहा था यूनिटी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड इसके बाद नॉट ओनली इंडिया में बट आल्सो बंगाल में भी बहुत सारे लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिएक्ट किया इसके बाद कुछ पेंटर्स ने जो है एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया जिसको कहते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ औरटल आर्ट इसके बाद फिर नंदलाल बोस असद कुमार हल्दिया या फिर लेडी हरिंगम के कॉपरेशन के थ्रू जो है अजंता एलोरा की जो पेंटिंग्स हैं उनको सेवरल यूरोपियन मैगजीन्स में जो है पब्लिश किया गया एंड वहाँ से जो है क्या हुआ कि इंडियन पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स वहाँ पे भी इस्टेब्लिश होने लगे इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत माता जो कि बनाई थी अभिनेन्द्र नाथ टैगोर ने इसने भी बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिज़म जनरेट किया देन सेकेंड भारत माता बनाई थी श्री घोष ने एंड नेक्स्ट एक और भारत माता बनाई थी अमृता शेरगिल ने जिसमें उनको एज अ ओल्ड वेमन दिखाया गया था एंड उसमें वो वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उनके लैप में एक बेबी था न गगेंद्र टैगोर ने भी पंजाब मैन शांति घोषित करके एक कार्टून बनाया था जिस कार्टून के थ्रू जो इंडियंस के अंदर है हेट जो है जनरेट होने लगी ब्रिटिशर्स के लिए उसके बाद नंदलाल बोस का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन्होंने सती द डेथ ऑफ सती या गॉड ऑफ फायर इस टाइप की पेंटिंग्स को बना के जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं उनको रिवाइव किया एंड नंदलाल बोस ने एक पैनल पे इंडियन पब्लिक लाइफ और इंडियन फोक आर्ट भी बनाई थी हरिपुरा कॉन्फ्रेंस के लिए एंड वहाँ पे बहुत सारे जगह से लोग आए थे और उनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया था so, सो यही था कैसे कंट्रीब्यूट किया इंडियन आर्टिस्ट ने इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में एंड इसके बाद आपको एक पेंटिंग दी है टिलर ऑफ़ सॉयल ऑल ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट जस्ट इन केस अगर आपका एज एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो टेलर ऑफ़ सॉयल बाय नंदलाल बोस दैट्स इट एंड विद दिस हम लोग ने ये वाला चैप्टर अपना कम्प्लीट कर लिया यहाँ पर नंदलाल बोस के बारे में दिया हुआ है जो कि हम ऑलरेडी उनकी पेंटिंग्स में पढ़ा था हमने शिव एंड सती उसमें वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं सो सेम ही ऑलमोस्ट सो so, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ए ओ ह्यूम इज़ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर विद द कॉपरेशन ऑफ सम इंडियंस इस्टेबलिश इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था देन हरीपुरा वॉज फेमस फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस द आर्टिस्टिक पैनल ऑफ़ द प्रवेलियन मेड फॉर कॉन्फ्रेंस एंड द पैनल वॉज डेलीनेटेड बाय नंद लाल बोस इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस बिकॉज इन तीनों ही चीज़ों के लिए जो है हरीपुरा फेमस था नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज अ पार्ट ऑफ फेमस नोवल आनंद मठ विच वॉज रिटन बाय हमने देखा द बंकिम चंद्र चैटर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटोटाइप्स ऑफ ग्रेट इंडियन वॉर्क ऑफ हार्ड व प्रजर्व इन द केव ऑफ़ अजंता एंड अलोरा एंड बाग बाय दपरेशन ऑफ लेडी हरिंगम हमें पढ़ा था लेडी हरिंगम ने जो है नंद लाल बोस असत कुमार हल्दार इन लोगों को अपॉइंट किया था और बोला था कि यहाँ के जो है अजंता वगैरह के मुराल्स बनाए और फिर उन्होंने पब्लिश किया था यूरोपियन मैगजींस में और नेक्स्ट क्वेश्चन है टिलर ऑफ़ द साइल इंडियन फार्मा वॉज द फेमस पेंटिंग ऑफ हमें पता है नंद लाल बोस ऑलरे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बिकॉज दिस इज नॉट इन सिलेबस बट स्टिल वी नो कि ये नंदलाल बोस ने बनाई थी सो विद दिस हमने ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। एंड इफ यस देन डोंट फोर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डी यू स्टिल देन टेक के बब बा एंड हैवे अइस डे